साल खुशहाल, 2022 सबके लिए खुशहाल हो और कोरोना जैसी महामारी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म हो, देश से ख़त्म हो, शहर से ख़त्म हो। जो 21 में सभी लोगों ने तकलीफ़ झेली, उस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मालिक वो तकलीफ़ अब दोबारा किसी को भी ना दे। और मैंने इसी स्लोगन के साथ आज 1 जनवरी 2022 मध्य विधानसभा के जितने मंदिर थे, जितनी मसाजिदें थी, उन तमाम मसाजिदों के मंदिरों के तमाम धर्म गुरुओं को यहाँ पर आमंत्रित करा और इमाम मौजिनों को बुलाकर उनके साथ मैंने एक एक जैकेट, क्योंकि ठंड का मौसम है, खाली हाथ उनको बुलाकर दुआएं लेना ठीक नहीं था, तो मैंने उनको एक एक हदिया भी दिया और ये दुआएं की दरख्वास्त करी सबसे कि पूरे देश, पूरे शहर, पूरे प्रदेश के लिए दुआ करें मालिक से, ताकि मालिक इस तरह की वबा दोबारा ना आए और सब लोग खुशहाल रहें और सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैंने उनको आज यहाँ आमंत्रित किया, सब आए उसके लिए धन्यवाद। और ये एक नई शुरुआत हुई है। मैं उन तमाम सियासतदानों से जो रात दिन सियासत में मशगूल हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोहब्बत बांटो, नफ़रत ख़त्म करो। नफ़रत बांटना आसान है, मोहब्बत कठिन है आज के दौर में, लेकिन ऐसा काम करो ताकि सब मिल के हों। आपके सामने सीन दिख रहा है मेरे, एक तरफ हाथ में जहां दाढ़ी टोपी वाले इमाम हजरत हमारे दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ तिलक वाले आपको पंडित दिख रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि ये देश मोहब्बतों का देश है, मोहब्बतों के चलने वाला देश है। आप सबको नए साल मुबारक।